शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लड्डू गोपाल। लल्ला, गोवर्धन पूजा के साथ साथ हमें इंद्रदेव की भी पूजा करनी चाहिए ना? मैया, क्या क्या कह रही है? इंद्रदेव की पूजा ना करने का निर्णय तो समस्त ब्रजवासियों ने एक साथ लिया था, फिर आपके मन में पुनः इंद्र पूजा की? कान्हा, मनुष्य के जीवन में सभी देवताओं का अपना अपना योगदान और महत्व होता है। फिर यदि हमने इंद्रदेव की पूजा कर भी ली तो इससे क्या अंतर पड़ जाएगा? मैया, समस्या पूजा में नहीं, पर इंद्रदेव ने जो अधर्म किए हैं ये जानते हुए भी हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि हम इंद्रदेव के अधर्म में उनका साथ दे रहे हैं। मैं धर्म अधर्म कुछ नहीं जानती लल्ला, मैं बस इतना जानती हूँ कि कहीं ब्रिजवासियों का जीवन संकट में ना पड़ जाए। मैया, यदि धर्म का पालन करते हुए कोई संकट आया तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम्हारे बस यही समस्या है कान्हा, एक बार जिस बात की हट कर लेते हो फिर अपनी मैया की भी नहीं सुनते तुम, इसलिए मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रही। मैया, मैं आपके दिखाए धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ और अब आप ही मुझे इंद्र पूजा का अधर्म करने को कह रही है। कान्हा, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक इस घर में इंद्रदेव की पूजा नहीं होगी तुम्हारी मैया तुमसे बात नहीं करेगी। इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी, आने वाली एकादशी को इंद्रदेव की पूजा करनी ही होगी। नारायण नारायण। महादेव, जिसका भय था वही हुआ। मैया यशोदा ने इंद्रदेव के भय के कारण इंद्र पूजा करने का निर्णय कर लिया है। यदि प्रभु खाना ने इसको स्वीकार कर लिया तो अनर्थ हो जाएगा, प्रभु अनर्थ हो जाएगा। मैया, आप ये... मैंने कहा ना कान्हा, ये मेरा अंतिम निर्णय है और तुम्हें ये निर्णय मानना ही होगा। प्रतिवर्ष के समान इस वर्ष भी हमें इंद्र पूजा करनी ही होगी। मैया, मेरी बात सुनिए। मैया, कुछ तो बात, ऐसी कौन सी घटना घटी जिससे मैया ने इतना कठोर निर्णय ले लिया है और अब तो वो मेरी बात भी नहीं सुनना चाहती। मुझे क्या करना होगा? केवल तभी मैं मैया के निर्णय का परिवर्तन कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ काना, आप सभी का प्रतिरोध कर सकते हैं किंतु अपनी मैया का नहीं। भले ही आप ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर सकते हो किंतु अपनी मैया के एक बार डांटने भर से आप स्वयं को उखल से बांध लेते हैं। इसलिए इस बार मैंने प्रेम और ममता के अस्त्र का प्रयोग किया है। आपने मेरा कहना तो नहीं माना किंतु आपको अपनी मैया के समुख नतमस्तक तो होना ही होगा। गोवर्धन की पूजा त्याग कर आपको इंद्र की पूजा करनी होगी। तथा सखियो, गोवर्धन यात्रा हमने संपन्न कराई थी। गोवर्धन यात्रा में कितने संकट आए थे पर हमने यात्रा में कोई बाधा नहीं आने दी, इसलिए सब हमसे प्रसन्न होकर राधे राधे कहने लगे। राधा, यदि तुम ना होती तो क्या होता ब्रजवासियों का? वही तो विशाखा, पर ये गोपाल तो हमें कुछ समझता ही नहीं है, बस उसका काम निकल गया तो भूल गया हमें और हमसे मिलने तक नहीं आया। पर राधा,
तुम भी तो मिलने नहीं गई ना उसे वृंदावन। अरे हमारी बात कुछ और है, हम राधा है, बरसाने की राधा। गोपाल को तो हमसे मिलने आना चाहिए, हम उसकी इतनी चिंता करते पर उसको तो हमारी चिंता होती नहीं है। तो तुम भी क्यों नहीं छोड़ देती उस गोपाल की चिंता करना? ये भी कोई कहने की बात है क्या? चिंता तो दूर, हमने उस गोपाल के बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। वो बरसाना आए या ना आए, राधा को उसकी कोई परवाह नहीं। गोपाल चाहे हमारे द्वार तक ही क्यों ना आ जाए, पर हमें तनिक भी प्रसन्नता नहीं होगी। वो चाहे हमें कितने भी प्रेम से पुकार ले, पर हम उसे कोई प्रत्युत्तर नहीं देंगे। राधे राधे बंसी बजाइया, वो भी हमारे बरसाने में। नहीं जानती हो, जब लल्ला जा रहा था तो तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? मैं भी ना क्रोध में आकर लल्ला को क्या कुछ नहीं कह दिया, कुछ खाए पिए बिना ही चला गया मेरा लल्ला, पता नहीं कहाँ होगा। नंदराजनी जी आप चिंता मत कीजिए, वो जहाँ कहीं भी होगा भूखा नहीं रहेगा। कान्हा को माखन मिश्री खिलाने के लिए पूरा ब्रज मंडल सदैव तत्पर रहता है। आप कुछ कहने की ना कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे अतिरिक्त मेरी लल्ला की किसी को और चिंता ही नहीं है। नंदरानी वो तो मैं क्या, जब तक मेरा लल्ला नहीं आएगा मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। पता नहीं कहाँ होगा मेरा लल्ला। पुष्पा एक काम कर, तू जाके मेरे लल्ला को खोज ला। हाँ वो ना वो यही कहीं होगा, जा जा खोज ला उसे। सुंदर हो सकता है कि वो महावन में हो, जाओ वहां जाके देखो। नंदरानी यदि कान्हा लौटा नहीं तो? नहीं आएगा मतलब? उससे कहना कि उसकी मैया उसकी प्रतीक्षा कर रही है, तो देखना वो ना दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। जाना सुंदर खोज ना मेरे लल्ला को, यही कहीं होगा। बुझ जा काकी, तुम भी जाओ, जाओ जाके ढूंढो उसे। तुम घड़ी घड़ी क्या मुंह देख रही हो, जाओ। पुष्पा जाना, जाके खोज कर लाना मेरे लल्ला को। तुम भी जाओ ना, जाके खोज कर लाओ लल्ला को, वो यही कहीं होगा। देखना वो दौड़ा दौड़ा आएगा अपने मैया के पास, आएगा हे नारायण, क्या करूं मैं, किससे अपना दुख साझा करूं? कान्हा से बात मनवाने के लिए मुझे उससे कड़ाई करनी होगी। सबके लल्ला के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती, पर मैं कान्हा को एक क्षण के लिए भी दुखी नहीं देख सकती। बेचारे कहाँ होगा मेरा। नंदरानी देखा सखियो, हम नहीं कह रहे थे कि गोपाल हमें कभी नहीं भूल सकता, वो आता ही होगा। और लो अब आ गया हमारा गोपाल। पर राधा तुम तो कह रही थी कि हाँ हाँ हम जानते हैं हम क्या कह रहे थे, पर अब तो गोपाल आ गया है ना। क्यों गोपाल, क्या हुआ गोपाल, तुम इतने दुखी क्यों हो? राधा एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई है मेरे सम्मुख, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हारे पास। कैसी दुविधा गोपाल? मैया ने इंद्रदेव की पूजा का हट पकड़ लिया है राधा, और वो कह रहे हैं कि यदि मैंने इंद्रदेव की पूजा नहीं की तो वो मुझसे बात नहीं करेगी। पर इंद्रदेव के अधर्म के कारण ही तो सभी ब्रजवासी उनके विरुद्ध हो गए थे, फिर पुनः इंद्रदेव की पूजा की बात कहाँ से आ गई? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा राधा, ऐसा क्या हुआ कि मैया पुनः इंद्रदेव की पूजा करना चाहती है? क-
कान्हा कुछ क्षणों के लिए ओझल क्या हुए, तुम इतनी भयभीत हो गई। सोचो यदि कान्हा सदा सदा के लिए कहीं खो जाए तब तुम क्या करोगी नंदरानी? ये आप क्या कह रहे हो इंद्रदेव? अभी तो मैं केवल कह रहा हूं, किंतु यदि कान्हा ने मेरी पूजा नहीं की तो मैं कान्हा को सदा के लिए वहां भेजने पर विवश हो जाऊंगा जहां से पुनः कोई नहीं लौटता। इंद्रदेव, मैंने प्रयास किया लल्ला को समझाने की कि वो आपकी पूजा करे, पर वो मेरी बात ही नहीं सुनता। माना कि कान्हा को मेरी पूजा नहीं करनी, किंतु तुम तो मेरी पूजा प्रारंभ कर सकती हो ना? आप कहना क्या चाहते हो? अब कहने सुनने का समय बीत चुका है, अब समय है केवल निर्णय लेने का, और निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम कान्हा को जीवित देखना चाहती हो अथवा नहीं। और वैसे भी पहले से ही कंस नामक संकट तुम्हारे लल्ला के सर पर तो मंडरा ही रहा है। यदि इंद्र का प्रकोप छा गया तो इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारे लल्ला को बचा नहीं पाएगी। नहीं इंद्रदेव, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने लल्ला का अहित नहीं होने दूंगी। इंद्रदेव, तो आरंभ करो। देवाधिपति देवराज इंद्र की पूजा। क्योंकि जब मैया इंद्र की पूजा करेगी तभी तो लल्ला विवश हो जाएगा, अन्यथा। मैं समझ गई इंद्रदेव, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। मैं करूंगी इंद्र पूजा। आने वाली एकादशी को मैं मनाऊंगी इंद्र उत्सव। मैं करूंगी आपकी पूजा इंद्रदेव, मैं करूंगी। उचित है, नारायण नारायण। प्रभु, जिन आधार्मिक कार्यों को मिटाने के लिए प्रभु कान्हा का संसार में अवतार हुआ है, यदि इंद्रदेव के भय से उनकी मानसिक यातना के कारण यदि मैया यशोदा उन्हीं कार्यों को करेगी तो अनर्थ हो जाएगा महादेव। देव ऋषि, यही तो माँ की ममता होती है। धर्म अधर्म पाप पुण्य सबसे परे होती है। माँ के लिए यदि महत्व होता केवल उसकी संतान का, मां का पूरा जीवन अपने संतान के लिए समर्पित होता। और आज मैया यशोदा उसी समर्पण उसी मातृत्व धर्म का पालन कर रही है। गोपाल, तुम संसार की इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल करते हो, इतने बड़े बड़े असुरों का वध करते हो, फिर तुम इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो। मैया मुझसे बात नहीं कर रही है और तुम्हें ये छोटी बात लगती है? गोपाल, ये है तो बहुत बड़ी बात, पर इसके पीछे का कारण अत्यंत छोटा है। वो क्या राधा? ये कि इंद्रदेव ने अवश्य ही यशोदा काकी को कोई भय दिखाया होगा। भय? हाँ गोपाल, और एक माँ अपने संतान से बात ना करे इसके पीछे एक ही भय हो सकता है, संतान पर संकट का भय। सत्य कह रही हो राधा, मैया कभी मुझे अपना भय नहीं बताती, और ऐसी बातें अपने हृदय में छुपा कर रखती है। अवश्य इंद्रदेव ने उन्हें मुझ पर कोई संकट डालने की बात कही होगी, तभी वो उन्हें इंद्र पूजा के लिए तैयार हुई होगी। पुष्पा, पंडित जी को इंद्र पूजा की सूचना दे दी तुमने? जी नंदरानी। बस एक बार इंद्र देव की पूजा हो जाए फिर सारे संकट टल जाएंगे, और मेरे लल्ला के जीवन पर जो संकट है वो भी नहीं आएगा। हाँ। नंदरानी, नंदरानी। ये गोवर्धन पूजा तो हो गई,
अब किस पूजा की तैयारी चल रही है? इंद्रदेव की। मैं इंद्रदेव की पूजा करने जा रही हूँ। ये क्या कह रही हो नंदरानी? कान्हा ने तो पूजा करने से मना किया है ना इंद्रदेव की। कान्हा का निर्णय कान्हा जाने, ये मेरा अपना निर्णय है। पर ये तो अधर्म होगा नंदरानी। आप लोगों को जो सोचना है वो सोचिए, पर मैं अपना निर्णय अब नहीं बदल सकती। नंदरानी, इंद्रदेव की पूजा का विरोध आपके घर से आरंभ हुआ, आपके लला ने अधर्म करने से रोका और आप स्वयं ही इंद्रदेव की पूजा करेंगी। लोगों का विश्वास धर्म में और पर्वतराज गोवर्धन में कैसे शेष रहेगा? वो आप लोगों की समस्या है, मेरी नहीं। मुझे जो आवश्यक लगा वो मैं करने जा रही हूँ। अभी बहुत कार्य शेष है, आज्ञा दीजिए। लगता है अब हमें कान्हा से ही बात करनी पड़ेगी। चलो, कान्हा को सूचित करना होगा, उसके घर में यह अधर्म हो रहा है। चलो। पर राधा, अब मैं क्या करूं? कैसे दूर करूं मैया के इस भय को? गोपाल, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि प्रेम के सम्मुख ना तो कोई संकट ठहरता है और ना ही कोई भय। इसलिए तुम्हें भी यशोदा काकी को प्रेम से ही समझाना होगा। अपनी ममता के कारण ही तो मैया सत्य को देख नहीं पा रही। गोपाल, इंद्रदेव ने यशोदा काकी की जिस ममता का सहारा लिया है, उन्हें भयभीत करने के लिए तुम्हें उसी प्रेम और ममता को उनका बल बनाना होगा। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में लघु रूप में माता सीता के सम्मुख गए थे, तब माता सीता भी उन्हें देखकर चिंतित हो उठी थी कि इतना छोटा सा कपिल इतने बड़े बड़े असुरों का सामना कैसे करेंगे। तब हनुमान जी ने माता सीता को अपना शक्तिशाली रूप दिखाया था। उसी प्रकार तुम्हें भी यशोदा काकी को अपना वो पक्ष दिखाना होगा, जिससे वो इंद्रदेव का भय भूलकर तुम पर भी वैसे ही विश्वास कर सके जैसे हम तुम पर करते हैं। काना, नंदरानी, तुम्हारी मैया। क्या हुआ मैया को? वो सबके मना करने के पश्चात भी इंद्रदेव की पूजा करने जा रही है। काना, गोपाल, अब तुम्हें यशोदा काकी को ये अधर्म करने से रोक सकते हो, इसलिए जाओ गोपाल, शीघ्रता करो। राधा, अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है, कैसे मैया के इस भय को दूर करना है। चलो काका। गोपाल, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है। जैसे तुम सारे संकट दूर कर देते हो, वैसे ही तुम इस संकट को भी अवश्य समाप्त कर दोगे। पुष्पा, कल ब्रह्म मुहूर्त में हमें इंद्र पूजा आरंभ करनी ही होगी, इसलिए मैंने सारी तैयारियां करके रखी है। और हाँ, मैंने वस्तुओं की सूची भी बना के रखी है, जाओ जाके ले आओ। सुंदर, तनिक शीघ्रता से इंद्रदेव की प्रतिमा निर्माण करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। नंदरानी, प्रतिमा बन रही है, थोड़ा समय लगेगा। इंद्रदेव की प्रतिमा निर्मित हो रही है, पूजा की तैयारी चल रही है, इसका अर्थ है कि आपका निर्णय अटल है मैया, आप इंद्रदेव की पूजा अवश्य करेगी। कान्हा, मैं जानती हूँ कि तुम इंद्रदेव की पूजा नहीं करना चाहती, जैसे कि तुम मेरी बात नहीं सुनते, वैसे मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मैया, अपने लल्ला को भोजन तो कराओगी ना? सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। लल्ला, जो भोजन तुम छोड़कर गए थे वो अब भी वहाँ रखा है, जाओ और जाकर भोजन कर लो। पर मैया, मैं आपके हाथों से केवल भोजन करता हूँ ना। पर अभी मेरे पास समय नहीं है कान्हा, देख रहे हो ना मैं कितनी व्यस्त हूँ, जाओ जाकर भोजन कर लो। मैं समझ गया मैया, आप मुझसे इतना कठोर व्यवहार इंद्रदेव की पूजा के लिए कर रही हो ना। तो ठीक है मैया, आपको इंद्रदेव की पूजा करनी है ना, तो कीजिए, क्योंकि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर अपनी मैया को दुखी नहीं देख सकता। देखा देवगण, अंततः कान्हा को अपनी मैया की बात माननी ही पड़ी। अपनी हट को त्याग कर इंद्र का देवत्व स्वीकार करना ही पड़ा।
क्योंकि इंद्र ही है सर्वशक्तिशाली, इंद्र ही सर्वत्र है और इंद्र ही सर्व पूजनीय। और जब कान्हा स्वयं मेरी भक्ति करेंगे, इस समस्त संसार को मेरी पूजा करनी ही होगी। मैया, अब तो कराओगी ना अपने लल्ला को पूजन अपने हाथों से, क्योंकि अब तो मैंने इंद्रदेव की पूजा के लिए हाँ में कर दी है। कान्हा, सारे निर्णय तो तुम स्वयं करते हो, तो स्वयं भोजन नहीं कर सकते? क्योंकि मैया, आपके हाथों से भोजन करने में स्वाद आता है। पर आज तुम्हें स्वयं ही भोजन करना होगा कान्हा, जाओ। मैया, फिर मैं भी आपका दिया हुआ भोजन नहीं करूंगा। फिर मेरी जो इच्छा होगी, जो मन होगा वो खाऊंगा। जो तुम्हारा मन करता है वो तुम करो, मुझे पूजा की तैयारी करने दो। पक्का ना मैया? हाँ पक्का, अब जाओ यहाँ से। मैया, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, यदि आप मुझे अपने हाथों से भोजन नहीं कराओगी तो मेरी जो इच्छा होगी मैं खा लूंगा। कान्हा, तुम क्यों मेरा समय नष्ट कर रहे हो? तुम्हें जो करना है करो और मुझे मेरा कार्य करने दो। ठीक है मैया, आप अपना कार्य कीजिए, मैं अपना कार्य करता हूँ। नंदरानी, काना मिट्टी खा रहा है। लल्ला, ये तुम्हारी मैया का आदेश है, मुख खोलो अपना। जो आज्ञा मैया। दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।